टेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं एनिमल्स इन आर सराउंडिंग. सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास. एनिमल्स मीन्स जानवर, आर मीन्स हमारे. तो हमारे आसपास जो भी जानवर रहते हैं हम उनके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं. आप लोगों में से सबको मालूम है कि हमारे आसपास कौन जानवर रहते हैं, है ना? आप कुछ जानवर के नाम बताएंगे? वैशाली कोई एक एनिमल बताइए. किसी आपको एनिमल बताइए? टाइगर. वेरी गुड. आपको एनिमल बताइए? डॉग. वेरी गुड. आपको एनिमल बताइए? कैट. गुड. आपको एनिमल बताइए? डॉल्फिन. वेरी गुड. तो आपने देखा कि जो जानवर हमारे बच्चों ने बताया, वैशाली ने बताया, शानू ने बताया या शिवा ने बताया, उसमें से कुछ एनिमल्स हमारे पानी में रहते हैं, है ना? कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं? हमारे लैंड पर रहते हैं, अर्थात जमीन पर रहते हैं. और कुछ एनिमल्स कौन से होते हैं जो आसमान में उड़ते हैं? इनको हम कहते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे वाटर एनिमल्स की बात. किसकी बात? वाटर. वाटर मीन्स पानी, है ना? जल. तो जो जानवर हमारे पानी में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर एनिमल्स. वाटर ये वो एनिमल्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर. कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर. एग्जाम्पल के लिए डॉल्फिन, ये फिश का नाम है. डॉल्फिन क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ फिश. ये एक मछली है. फिश आप जानते हो, मछली. मछली बहुत तरीके की होती है, कलरफुल भी होती है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है. स्टार फिश, उन्हीं फिश में से एक है हमारी स्टार फिश, जो सितारे की तरह होती है. जो दिखने में कैसी होती है? स्टार की तरह होती है, इसलिए इसका नाम होता है स्टार फिश. एक है सी हॉर्स, हमारा समुद्र के एक घोड़े की तरह आकृति वाला रहता है फिश एनिमल रहता है, उसे हम कहते हैं सी हॉर्स. इसके अलावा भी हमारे बहुत से एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर एनिमल्स. सेकंड टाइप है लैंड एनिमल. लैंड एनिमल्स तो आपके आसपास बहुत से रहते हैं आपके गांव में. काऊ, शीप, हॉर्स, डोंकी, मंकी, टाइगर, है ना? लायन, लायन, टाइगर, काऊ, डियर, एक्सेट्रा. मतलब बहुत सारे हैं. गोट हो गया, बकरी हो गई, हाँ वेरी गुड, हॉर्स हो गया, शीप हो गया, लायन हो गया. बहुत सारे एनिमल्स जो पानी में जमीन पर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं लैंड एनिमल्स. अब बात आती है हमारी एरियल. एरियल माने हवा में रहने वाली. हवा में रहने वाली, वेरी गुड, चिड़िया, जिसे हम स्काई एनिमल्स भी कहते हैं. आप उनको बर्ड्स के नाम से जानते हो. कैसे जानते हो? बर्ड्स के नाम से जानते हो ना? क्या कहते हैं बर्ड्स जो स्काई में उड़ती है? जैसे आपका पैरेट हो गया, क्रो हो गया, वेरी गुड, कुकू, कोयल हो गई, ईगल, चील हो गया, पिजन, कबूतर हो गया, और बहुत सारे बर्ड्स हैं. अब मैंने अभी स्पैरो भी कह सकते हो, डव भी कह सकते हो. बहुत सारे बर्ड्स होते हैं हमारे जो हमारे आकाश में उड़ते हैं. तो आपको समझ में आया? अब इन तीन के अलावा भी हमारे एनिमल्स होते हैं जो हमारे जल में भी रहते हैं और थल में. यानी कि कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो जल पर भी रहते हैं, पानी के अंदर भी चले जाते हैं और पानी के बाहर भी आ जाते हैं. क्या कोई ऐसे जानवर बता पाओगे आप लोग जो जल में भी रहता हो? समझ जाएंगे कि आप जो है कौन सा एनिमल समझ गए हो कि आप वाटर एनिमल है.
अगर हम जमीन पर रहने वाले एनिमल्स की बात करेंगे, उनका नाम लेंगे, तो आपको वॉक करना है, ठीक है। जैसे ही हम स्काई एनिमल्स यानी कि एरियल या बर्ड्स पक्षियों की बात करेंगे, तो आपको ऐसे ऐसे करके दिखाना है हमें, हम समझ जाएंगे कि आपको पता है कि ये हमारा एरियल है, ठीक है। अब जिस बच्चे ने एक्शन गलत किया वो आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आउट। तो हम नाम लेने जा रहे हैं अपने एनिमल्स और बर्ड्स के, आपको क्या करना है, एक्शन, रेडी। फिश, वेरी गुड। लायन, आप आउट हो गए। टाइगर, पैरट, फिश, शार्क, ईगल, कुकू, टाइगर, हॉर्स, डॉल्फिन, शीप, शीप मींस भेड़, डियर, नंदनी आउट, टाइगर, पिजियन, पिकॉक, एलिफेंट, लायन, लायन, लायन बेटा कैसे होता है, लायन क्या करता है, चलता है, चलो लायन क्या करता है, चलो चलो दिखाओ ऐसे ऐसे करके, हाँ वेरी गुड। अब फिश क्या करती है, ऐसे करके दिखाओ, फिश क्या करती है, बैठती है, तैरती है, बस